हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। तो इससे पहली वीडियो में बेटा आपने सभी ने लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसी में हम आपके इसी चैप्टर में और आगे आज डिस्कशन करेंगे। तो लाइट शैडो और रिफ्लेक्शन में हमने जो लास्ट आपका टॉपिक छोड़ा था बुक के अकॉर्डिंग, वो आपका ट्रांसपेरेंट ओपीक्यू एंड ट्रांसलूशेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी अपारदर्शी और आपका पारभासी वस्तुएं थी। तो ये आपका जितना भी हम टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं ना, वो बुक के अकॉर्डिंग ही रहता है। आप बुक को भी साथ लेकर बैठ सकते हैं और साथ के साथ बुक में देख भी सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट आपका पारदर्शी अपारदर्शी और इसके अलावा पारभासी वस्तुएं था, ठीक है। अब इसी में आगे चलते हैं। हमने आपसे कहा था कुछ वस्तुएं ऑब्जर्व करना है, कलेक्ट करनी है एंड आफ्टर चेक इट उसको चेक करना है किन वस्तुओं में से आप पार देख सकते हैं, किन में से नहीं देख सकते और किन वस्तुओं में से आप कम मत मीन्स हल्का पार देख सकते हैं, जिसको पारभाषिक बताया था हमने कल। तो अब ये पिक्चर ऑब्जर्व की थी आपने, इसमें क्या था, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स दैट डू और डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यहाँ हम कल थे। तो इसमें क्या है, इसमें बताना है कि ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करिए दैट डू और डू नॉट अलाउ, वो परमिशन देखना है होता है उसमें नहीं होता, लाइट जो है वो पासिंग थ्रू देम, लाइट जो है उसमें पासिंग थ्रू हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये चीज़ें देखनी थी। अब कल हमने आपको एग्जाम्पल बुक भी बताई थी और इसके अलावा जो फ्रेम से बताया था ग्लास से, इसे जो हमने ग्लास पहना हुआ है चश्मे से, आपने हमने दिखाया था कि कांच के बीच में से हम पार देख सकते हैं, तो वो कैसी हो जाती है, ट्रांसवर्सल मीन्स पारदर्शी, जिसमें से नहीं देख पाते वो अपारदर्शी, ठीक। इसी में आगे पॉइंट चलते हैं, अगला टॉपिक चलते हैं आपकी बुक का। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी टेबल आती है। इस टेबल में क्या है देख सकते हैं, इमेज छोटा कर दिया हमने। टेबल 11.1 में आपकी बुक में सेम हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, ऑब्जेक्ट मेटल सॉरी ऑब्जेक्ट है और मटेरियल है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वस्तु और मटेरियल पदार्थ। इसके अलावा व्यू थॉट द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, अब व्यू थॉट जो इनमें से पॉसिबल होगा या नहीं होगा, किसमें फुली होगा, ठीक है, किसमें पार्टली होगा और किसमें नॉट एट ऑल होगा, मतलब देख ही नहीं सकते, ये बताना है आपको। एंड जो थर्ड आपका पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये है और आपका थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज ओपीक्यू ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो ये तीनों चीज़ें हमने बताई थी आपको हिंदी में, हमने देखो यहाँ पे लिख भी दिया है छोटा छोटा, पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी, ये तीनों में अंतर था। तो पहला आपको क्या दे रखा है, पहला पॉइंट दे रखा है पेंसिल। तो पेंसिल को बताना है कि ये जो है इसमें से आप पेंसिल में से क्या कर सकते हैं, फुल्ली होता है, पार्टियली होता है, नॉट एट ऑल होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो सकता है। तो व्यू देखना, पेंसिल से कोई पिक्चर देखना पॉसिबल है, पेंसिल को बीच में रख के आप देख सकते हैं, यदि उसके आर पार दिख रहा होगा तो पॉसिबल है और नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है, और हल्का हल्का दे रखा होगा तो पार्टियली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सेल्फ करेंगे। एंड देन थर्ड पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट इज ओपीक्यू ट्रांसपेरेंट एंड आपका ट्रांसलूसेंट, यदि फुल्ली चमक रहा है तो कैसा हो जाएगा, ओपीक्यू हो जाएगा, थोड़ा इट मीन्स बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यदि हल्का हल्का देख पा रहे हैं तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। तो ये तीन टॉपिक आपको करने भी हैं, ठीक है ना। जैसे अब पेंसिल हो गया, नहीं देख सकते भाई, हम क्या कर सकते हैं इसमें, नॉट एट ऑल करेंगे इसमें, सॉरी आपका सही से बनाते हैं, नॉट एट ऑल ये है, तो आपका नॉट एट ऑल पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जब नॉट एट ऑल हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके बाद रबर बॉल हो गया, रबर बॉल में से हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे रबर बॉल में से तो क्या हो जाएगा, नॉट एट ऑल हो जाएगा, देख ही नहीं पाएंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, अब शीट ऑफ राइटिंग पेपर टू टाइप्स के होते हैं, एक लाइट पेपर होता है, एक डार्क पेपर होता है। अगर हल्का पेपर होगा तो उसमें से हम देख ही नहीं सकते तो नॉट एट ऑल हो जाए, और यदि हम नहीं देख पाते तो ट्रांसपेरेंट। यदि पेपर लाइट है, हल्का है, वजन में हल्का है,
तो क्या हो सकता है, हम उसमें आर पार नहीं देख पाएंगे लेकिन हल्का धुंधला हमें दिख जाएगा, तो वो किस में आएगा, ट्रांसलूसेंट में आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें सिर्फ तीन चीज़ें आपको टेबल में दी गई हैं, इसके बाद भी और आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको पढ़ भी सकते हैं। तो सेल्फ प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यान से, उतना ही आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा भी, ठीक है ना। तो इसी में ये आपकी बुक थी, दिखा दी हमने, तो बुक को आपको देखना है और समझना भी है बुक को साथ के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आपका अगला टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा आपका व्हाट एग्जैक्टली एंड शैडोज, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली एंड शैडोज, छायाएं वास्तव में क्या होती हैं। रियलिटी में आप देखते हैं कि हम खड़े होते हैं तो हमारे पीछे छाया बनती है, हम क्या एनीथिंग एल्स जो भी है, जैसे आपने देखा होगा पेड़ होता है, जब धूप निकली रहती है तो पेड़ की क्या बनती है, शैडो बनती है। कोई भी वस्तु है, मीन्स ये एनीथिंग, कोई भी वस्तु यदि उस पर प्रकाश डाला जाएगा वन साइड से, अप साइड से यदि ऊपर बिल्कुल ऐसे ऊपर रखा जाएगा तो उसकी शैडो नहीं बनेगी। जैसे कि जब आप खड़े होते हैं, जब सूरज ईस्ट से निकलता है तो आपकी शैडो किस में जाती है, वेस्ट में जाती है, और जब सूरज बिल्कुल मिड में आ जाता है, बीच में आ जाता है, जब सही बार दोपहरी में हो जाती है, तो आपकी शैडो जो है वो नहीं बनती, ना ही तो लेफ्ट में ना ही राइट में आपके, ना फ्रंट में ना बैक में। रीज़न क्या होता है उसका, रीज़न ये होता है कि आपकी जो जब आपके ऊपर कोई लाइट जला दी जाए तो आपकी शैडो कहाँ बनी, कहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट हो गए आप एकदम ऊपर। यदि आपके जैसे सूरज ईस्ट से निकल कर वेस्ट में जाता है, वेस्ट में जाने के बाद क्या देखते हैं आप, वेस्ट में देखते हैं बेटा कि आपका जो वेस्ट में से सूरज की किरणें आती हैं और आपके ऊपर पड़ते हैं, तो आपकी शैडो आपके जस्ट बैक साइड में, मतलब कि ईस्ट में आपकी शैडो बनती है, ठीक है, परछाई। तो ये चीज़ें आप कर भी सकते हैं घर पर, तो कोई भी, या फिर आप छत पर चढ़कर या उसमें एक देख सकते हैं, जब छत पे आप खड़े होते हैं तो आपकी शैडो दूसरी तरफ बनती है, या आप खुले मैदान में भी जाकर कर सकते हैं। कभी कभी जो वस्तुएं की छायाएं जो होती है ना, वस्तु की आकृति पे बारे में बताती भी हैं ये चीज़ें। आप शैडो है किसी भी चीज़ की, पेड़ की शैडो है तो पेड़ के जैसे आकार की बनेगी, बिल्डिंग की शैडो है तो बिल्डिंग के अकॉर्डिंग बनेगी, साइकिल की शैडो है तो साइकिल के अकॉर्डिंग बनेगी। मीन्स ऑल शैडोज डिपेंड ऑन थिंग, सभी छाया जो बनती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, शैडो पर डिपेंड करती हैं, एज इट इज़। जैसे आपको ये एग्जांपल दिया दिखाया जा रहा है, ये देखिए आप, तो इसमें क्या लिखा है, समटाइम्स शैडो एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट इट्स शेप। समझ में आया ना, समटाइम कभी कभी शैडो जो होती हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, गिव्स एन आइडिया, हमें बताती हैं अबाउट इट्स सेप, उस सेप के बारे में हमें बताती हैं। जैसे हमें पहली सेप जो चमक रही है, ये शैडो जो चमक रही है, हमें क्लियर पता है किस चीज़ की है। देखिए यहाँ से नीचे से अर्थ है और अर्थ से ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से टहनी जा रही है और ये फैला हुआ है, तो मीन्स ये क्लियर हो रहा है क्या है, ये क्या है, ट्री है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये दूसरी चीज़ जो नीचे रखी हुई है, ये क्या चीज़ हो सकती है, ये क्या चीज़ हो सकती है, जैस देखिए ये किस शेप में है, ये आपका रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है ना, रेक्टेंगल शेप में है। यदि स्क्वायर शेप में होती तो बिल्कुल एकदम इस तरीके से होती, इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, बट ये कैसी है, रेक्टेंगल शेप में है, हमें क्लियर चमक रहा है। तो कोई भी जिस चीज़ की भी शैडो है वो किस शेप में होगी, रेक्टेंगल शेप में होगी, या तो वो वॉल हो सकती है, या फिर आपका कोई भी, आप पेपर ले सकते हैं, पेपर को धूप में ऐसे ऊपर की तरफ लगाएंगे तो उसकी शैडो अर्थ पर बनेगी, वो भी हो सकता है ये, एनीथिंग एल्स। और भी आप शैडो अपने अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा बनेगा शैडो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पर, आपकी बुक में काफ़ी सारे क्रियाकलाप भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखें कि जब आपको शैडो बनानी होती है, ठीक है, तो वो हमेशा पर्दे पर बनती है। आपने देखा है जब हॉल में जाते हैं ना, पिक्चर देखते हैं, या फिर आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, स्कूलों में देखा होगा, कभी कभी आप प्रोजेक्टर से क्या दिखाया जाता है आपको, वर्किंग दिखाई जाती है या पिक्चर दिखाई जाती है प्रोजेक्टर से, तो वो प्रोजेक्टर का जो रेजेज होती हैं, लाइट्स होती है, वो किस पर दिखाई जाती है, वो एक पर्दे पर दिखाई जाती है। रीज़न क्या होता है पर्दे पर दिखाने का, क्योंकि उसकी शैडो एकदम क्लियर चमक में है, क्लियर चमके हमें शैडो,
चाहने को हम लाइटिंग को दिखा भी दें, किसी दीवार पर दिखा दें या फिर अर्थ पर दिखा दें, तो लेकिन वो क्लियर नहीं बनने पाएगी। दैट्स वाई हम उसकी शेडो कहाँ दिखाते हैं, पर्दे पर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख भी सकते हैं। जैसे आगे अगला पिक्चर में देख सकते हैं आप, इसमें क्या कह रहा है, ए शेडो इज ऑब्टेंड ओनली ऑन एन ए स्क्रीन। हम कोई भी शेडो को किस पर फाइंड कर सकते हैं, एक स्क्रीन पर फाइंड कर सकते हैं। अब आप कभी भी आप देख भी सकते हैं, चाहे वो दिन में तो नहीं, रात में कह सकते हो, दिन में तो शेडो ऑटोमेटिक ही बनेगी सनलाइट की प्रेजेंस में। एज विंटर मौसम जो है आपका एनवायरनमेंट में, यदि धूप नहीं है तो आपकी शेडो, अगर आप कहीं खड़े हैं खुले प्लेस पर, तो वो बहुत ना के बराबर बनती है, बिल्कुल कम, बहुत हल्की सी होती है, जो चमकती भी नहीं है कभी कभी, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए क्या है, शैडो हमेशा कैस में बनती है, जो हमने शुरू से समझाते हैं, से उसके लिए किसकी नीडेड होती है, लाइट की नीडेड होती है। ठीक है, अब लाइट कैसी भी हो सकती है, मैनमेड थिंग्स भी हो सकती है या फिर नेचुरल हो सकती है। मैनमेड थिंग्स में आपको पता है क्या क्या चीज़ आती हैं, जो इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो मैनमेड में आती हैं, और जो वस्तुएँ नेचुरल होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं। जैसे सूर्य हो गया, वो कैसा है, प्राकृतिक है। ठीक है ना, अच्छा इसमें क्या कहा है, ए शैडो इज ऑफ, सॉरी अगेन इसको ले लेते हैं, टॉपिक पर आते हैं, ए शैडो इज ऑब्टेंड ओनली ऑन ए स्क्रीन। हम स्क्रीन पर फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप इसमें टू गर्ल्स एंड ए वॉइस, एंड लास्टली ए गर्ल जो खड़ी है स्टैंड है, देखिए ये इसकी जो पोजिशन, सॉरी ये देखिए पोजिशन इसकी है, और इस बॉयज़ की, बॉय की पोजीशन, और देन इस गर्ल की पोजीशन। इस गर्ल के हाथ में क्या है, टॉर्च है। ये क्या कर रही है, देखिए पीछे एक पर्दा लगा हुआ है ये वाला, इस पर्दे पर क्या है, गर्ल यहाँ से क्या कर रही है, रेज इधर से ही जा रही है, टॉर्च की रेज जो है वो जा रही हैं। अब टॉर्च जितने पेज पर जाएगी, जितनी जगह कवर करेगी रेज, उसको वो क्या कर रही है, देखिए पीछे दिखा रही है, ये दिखा रहा है ना, ये जो शो हो रहा है, तो ये क्या है, बॉयज़ जो खड़ा है इसकी शैडो इस पर पहुंच रही है। तो इसके लिए क्या चीज नीडेड होगी, हमें सरफेस की ज़रूरत होगी, नीडेड होगी स्क्रीन की। और स्क्रीन भी कैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं मिरर ले लो जिसमें आर पार हो जाए, तो उसमें शैडो नहीं दिखेगी। शैडो किस में देख पाएंगे आप, एक डार्क ही चीज़ होनी चाहिए, उसी में शैडो देख पाएंगे। तो ये पॉइंट आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड देन इसके अलावा जब आप बुक में पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन होगा, इसलिए हर चैप्टर को पढ़िएगा। आपके पेपर में जो चैप्टर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो बुक के बीच में से भी आ सकते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि चैप्टर को छोड़कर आप बस क्वेश्चन आंसर ही करें, वीडियो भी देखें और चैप्टर भी पढ़ें। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, शैडोज ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड। जो शैडोज होती हैं ना एनिमल की, वो आपके हैंड से ही बनी हुई होती हैं। अब देखिए आप देख भी रहे हैं ना, एक बॉयज़ है, क्या कर रहा है, देखिए काफ़ी सारे हैंड्स आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर्स में। तो पहले में देखिए कुछ और शेप, ये शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहली शेप में कुछ और बना, देखिए दूसरे में आई थिंक ये डॉग है और ये गॉट है, एंड ये भी कुछ है, ये पीजन है मेरे आई थिंक, है ना। तो आप बना सकते हैं शेप, काफ़ी सारी शेप बना सकते हैं, आपको ये करते भी हैं आप, कभी कभी आप धूप की रोशनी में इस तरीके से हाथ को देखते हैं तो हाथ की शैडो बिल्कुल दीवार पर चमकती है, जैसे आप उंगलियों को चलाएंगे या देखेंगे तो एज इट इज़ वैसे ही शैडो आपको कहाँ मिलेगी, ऑन टू द वॉल, वॉल पर ऐसी ही शैडो आपको मिलने वाली है। तो ये शैडो का एग्जांपल रहता है। शैडो के बारे में आप बहुत सारे एग्जांपल भी अपने आप से जानते हैं, आपके आसपास में कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये शैडो आप प्रैक्टिस करें इस शैडो को बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप इतने ही प्रिपेयरिंग करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड चैनल को लाइक किया करें बेटा, वीडियो देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।